बॉलीवुड में इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है। पहले दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने सात फेरे लिए, तो वहीं अब प्रियंका चोपड़ा भी परदेसी हो गई हैं। इस बीच कैटरीना कैफ ने अपनी शादी और बच्चों के प्लान के बारे में खुलकर बात की है। कैटरीना कैफ ने मीडिया के सामने कहते हुए कहा, कुछ समय पहले शादी मेरे दिमाग में थी, उस वक्त चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पाई, तब से मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, जो पहले से तय है वो करना पड़ेगा, अब इन चीजों को लेकर किसी भी तरह का तनाव नहीं होता। कैटरीना ने आगे कहा, मैंने लड़ाई लड़ी और अब फैक्ट जानकर शांत हूँ कि जैसा सोचा वो नहीं हो पाया, अब सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कैटरीना कैफ का नाम इससे पहले सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ जुड़ चुका है। सलमान और कैटरीना ने कभी भी अपने रिश्ते को कबूल तो नहीं किया, लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों साल 2009 में एक दूसरे से अलग हो गए थे। उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि सलमान और कैटरीना के ब्रेकअप की वजह सलमान का बर्ताव था। सलमान से ब्रेकअप के बाद कैटरीना और रणबीर के रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कैटरीना कैफ का सलमान से जिस वक्त ब्रेकअप हुआ था, तभी रणबीर और दीपिका भी अलग हो गए थे। कहा जाता है कि कुछ वक्त बाद से ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। कैटरीना और रणबीर का साल 2016 में क्रिसमस के आसपास ब्रेकअप हुआ था। फिलहाल कैटरीना इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म जीरो के प्रमोशन में बिजी हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।